हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यू व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैं कुछ नया लेके आऊँ मार्केट में, या कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है या कुछ नई अपडेट में लेके आऊँ। तो चलिए आज मैं यहाँ पे बात करूंगा जो कल गूगल 2018 में गूगल आईओ में कुछ एंड्रॉयड पी से रिलेटेड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ बातें निकल के आई है। यहाँ पे कुछ नई अपडेट दे रखी है गूगल ने, तो चलिए आज ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज आप मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ पाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दीजिए। और यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज आप ये मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैकी होम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो नया अपडेट आया है गूगल की तरफ से। यहाँ पे गूगल ने बहुत सारी चीजें लॉन्च करी है 2018 आईओ पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट निकल के आया है गूगल में गूगल आईओ की तरफ से, वो है जीमेल का। यहाँ पे जीमेल में बहुत सारे न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट दे रखे हैं। उसका जो लेआउट है वो चेंज कर रखा है और उसका लोगो है वो भी चेंज कर रखा है। सबसे बड़ी बात, वहां पे जीमेल के अंदर मशीन लर्निंग का काम में लिया गया है और वहां पे एआई को भी काम में लिया गया है। बेसिकली वो एआई नहीं है, मशीन लर्निंग ही है, पर यहाँ पे उसको कंपनी जो गूगल कहती है वो है एआई। तो बेसिकली वहां पे करा क्या गया है, मान लीजिए अगर आपको किसी को टेक्स्ट करना है या ईमेल करना है, अगर आप हाय हाउ आर यू लिखते हैं, अगर आपने हाय लिखा उसके बाद हाउ लिखा तो उसके बाद के सारे वर्ड वो लिख के दे देगा। और यहाँ पे अगर आपने उसका नाम लिखा तो उसका नाम वहाँ पे पहले से लिखा आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपने एक अक्षर लिखा तो वहाँ पे उसका नाम आगे से पूरा का पूरा आ जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जीमेल की तरफ से ये करी गई है, वहाँ पे मशीन लर्निंग और एआई को काम पे लिया गया है। और यहाँ पे जो सेकंड अपडेट निकल के आता है वो आता है गूगल लेंस की तरफ से। गूगल लेंस में यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना है, मान लीजिए पहले अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ना होता था फिर आप उसको अपने फोन में कॉपी करते थे लिख के, अब यहाँ पे आप गूगल लेंस की एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको स्कैन कर सकते हैं अपने फोन में और उसको टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गूगल ने ये भी करी गई है गूगल 2018 आईओ में। अब यहाँ जो तीसरा अपडेट निकल के आता है मशीन लर्निंग किट का, मतलब ML किट। यहाँ पे क्या है, जो एंड्रॉइड डेवलपर है या किसी को ऐप बनानी है तो वहां पे सबसे अच्छी काम में ये ऐप ली जाएगी या इस मशीन लर्निंग किट को काम में लिया जाएगा। इससे बेस में आप बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे तरीके से ऐप को क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज भी काम में ली गई है। और यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है एंड्रॉइड पी से रिलेटेड, जहाँ पे आपको अडेप्टेड बैटरी फीचर दिया गया है। यहाँ पे आपकी बैटरी को वो मैनेज करेगा एआई की मदद से, बहुत अच्छी से उसको मैनेज करेगा कब आपको बैटरी नहीं चाहिए, या अगर आपका वाईफाई ऑफ है उसको खुद से ऑफ कर देगा, या ब्लूटूथ ऑन है उसको ऑफ कर देगा जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एंड्रॉइड पी का भी बीटा वर्जन निकाल दिया है। पहले यहाँ पे ये था डेवलपर बेस के लिए, अब यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एंड्रॉइड पी बीटा को। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये इसका एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आया है। और जो यहाँ पे अगला अपडेट है एंड्रॉइड पी बीटा को रिलेटेड, यहाँ पे आपको स्नूज का भी ऑप्शन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐप की नोटिफिकेशन आई है तो आप उसको स्नूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपना फोन को टिल्ट करना है, वहां पे ऐसे सेंसर लगे हैं, आपका फोन क्या हो जाएगा उस एप्लीकेशन को या उस नोटिफिकेशन को स्नूज कर देगा। यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर ये भी निकल के आया है। अब यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आया है वो आया है सबसे बड़ा गूगल असिस्टेंट को लेके। गूगल असिस्टेंट में 6 नई वॉइस ऐड करी हैं, हे गूगल, ओके गूगल। यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी वॉइसें गूगल में ऐड करी गई हैं। ये अलग अलग वॉइस हो सकती है या अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पे गूगल ने अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। अब यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आया है गूगल मैप्स का, सबसे अच्छी चीज अगर आपने गूगल मैप्स को काम में लेते हैं तो वहां पे आप जीपीएस को काम में लेते हैं। अब जो गूगल 2018 में जो गूगल पी के साथ आएगा वो आएगा वीपीएस, विजुअल पोजिशनिंग सर्विस। तो यहाँ पे होगा यू, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका कैमरा आगे खुला हुआ है और नीचे पे आधे पार्ट में आपकी गूगल स्ट्रीट खुली हुई है, वहां पे भी एआई को काम में लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपका घर आ गया है या आपके कोई रेस्टोरेंट आ गया है तो उसके रेस्टोरेंट बना हुआ आएगा फोटो आपके कैमरा में और उसके आगे से उसका नाम लिखा आएगा। और आपको जिस स्ट्रीट में जाना है वहां पे आपको एक गाइड मिलेगी, एक लोमड़ी की या कुछ भी फॉक्स, कुछ भी चीज आपको एक गाइड की तरह मिल सकता है, या आपको वहाँ फॉक्स मिल सकता है या आपको डॉग मिल सकता है, कुछ आपको वो गाइड करेगा। मान लीजिए अगर आपको लेफ्ट जाना है तो वो लेफ्ट जाएगा, मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे मैं गूगल आईओ की वीडियो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें, तो वहां पे आपको ये चीज पता लग पाएगा। और यहाँ पे जो अगला अपडेट आया है गूगल फोटोज का, सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आया है गूगल फोटोज का। गूगल फोटोज में यहाँ पे बहुत अच्छी से गूगल फोटोज को मैनेज किया गया है। यहाँ पे गूगल ने एआई या मशीन लर्निंग का काम तो पहले से लिया जाता था और इसको अपडेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जाते थे किसी हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में, या किसी बड़े सेलिब्रेशन में जाते थे या वेडिंग सेरेमनी में जाते थे
तो अगर आप वेडिंग सेरेमनी में है तो उसकी फोटोज अलग बना के दे देगा, आपको बर्थडे की फोटो अलग बना के दे देगा, या आप किसी हिली एरिया में माउंटेन एरिया में घूमने गए हैं वहां उसकी फोटोज अलग बना के दे देगा। अब यहाँ पे जो अच्छा अपडेट निकल के आया है गूगल की तरफ से, वहां पे अगर आप फोटोज हैं, अगर आपने उस फोटोज खोली, यहाँ पे मैं आपको उस वीडियो के थ्रू बताऊंगा गूगल ने यहाँ पे कैसे काम में लिया गया है। यहाँ पे अगर आपने कोई फोटोज खोली, मान लीजिए अगर आपने कुछ फोटोज क्लिक करी, उसका बैकग्राउंड गूगल को जैसा आपको सजेस्ट करेगा, आपको ये बैकग्राउंड पीछे रखना चाहिए या इस कलर का आपको सैचुरेशन रखना चाहिए, वो अपने आप से वहां पे मैनेज कर लेगा कलर कॉन्ट्रास्ट को, या जैसा उसको अच्छा लगेगा, जैसा आप चाहते हैं वो वैसा आपको मशीन लर्निंग के थ्रू वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा और वहां पे आपको वो चीज पसंद भी आएगी। और यहाँ पे 2018 आईओ में सबसे बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं यहाँ पे गूगल में, और बहुत सारे अनाउंसमेंट ऐसे भी हैं, और मैं यहाँ पे अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो कभी लेके आऊंगा जो एंड्रॉइड पी बीटा वर्जन को आप कौन कौन से फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपका फोन कैपेबल है या नहीं है, और यहाँ पे आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बस यही सब था गूगल 2018 आईओ में। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई सुझाव हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना है और जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और जो मेरी लेटेस्ट न्यूज है आपको टाइम टू टाइम वो मिलते रहेंगी। धन्यवाद।